और सबसे अच्छी चीज है उसमें ना जब हम लोगों को कोई सामान देते हैं तो मदद करने का भी मौका मिलता है। अच्छा, इससे व्यवहार भी बहुत अच्छा बन जाता है। जैसा मैंने बताया था कि मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूँ, इसमें हम लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं क्या खाएं, कैसे स्वस्थ रहें, किस तरीके से ज़िंदगी को बचा के रखें, और इसके साथ में हेल्थ के साथ वेल्थ को कैसे मजबूत करें, इसकी भी जानकारी देते हैं। तो सर, अपनी मौजूदा काम या प्रोफेशन को, जॉब को या प्रोफेशन को बिना अस्त-व्यस्त किए अगर अतिरिक्त आय पैसा कमाने का साधन हो तो क्या आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल। तो सर, मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए, अपने मोबाइल से डायल कर दीजिए, मेरे पास आ जाएगा। और फिर जैसे ही मैं खाली होऊंगा, जैसे समय मिलेगा, मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम लोग बैठ के इसके बारे में विस्तार से। तो सर, मेरा नंबर लिख लीजिए, 9999 3138996। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू, फिर मिलते हैं सर। जी सर, ओके। अब मैं दूसरे दिन इनके घर पहुँच रहा हूँ, फोन में बात की। सर, मुलाकात थी आज दोपहर में 3 बजे, मैं आपके यहाँ घूमने आया हूँ। ठीक है, अब हम क्या टिंग टॉन्ग। अरे सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, बढ़िया। तो जैसा मैंने बताया था सर कि हम लोग जब मिलेंगे तो बैठ के हेल्थ के बारे में डिटेल में जानेंगे और हेल्थ को कैसे मजबूत करें इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सर, बैठ के बात करते हैं। आइए सर, बैठिए ना, बैठिए सर। ये आपका डाउनलाइन लेके रखेगा, उसमें आपका डाउनलाइन एक साथ में होगा, इसलिए इसको साथ में रखिए और फिर उसके बाद में साथ में रखिए। तो अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आपको देख के बड़ा खुशी हुआ। और मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं आपको देखा तो देखने के बाद एक एनर्जी लगी कि हाँ, आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में। और आज आप किराना दुकान में देख रहा था सर, आज छुट्टी भी है, किराना दुकान आपकी बंद है, और एक सही समय है सर आज से आपकी बात करने की। सही है या नहीं? बहुत सही सर। जब मैं हेल्थ की बात कर रहा था तो शायद आपको लगा होगा कि क्या मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि सर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि डिजीज दो प्रकार की होती हैं। एक डिजीज जिसे सिर्फ डॉक्टर ठीक कर सकता है, जिसमें चीरा फाड़ा लगता है, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब जो खाने पीने से बीमारियाँ होती हैं ना, उसे लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है, जो क्रोनिक नेचर की होती हैं और लंबे समय चलती है सर, जिसमें अस्थमा है, दमा है, मिर्गी है, लकवा है, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ आप जानते होंगे। सही है सर। जब बात हेल्थ की आ रही है तो मैं चाहूँगा अगर आपके परिवार में और भी कुछ लोग हों तो उन्हें बुला लीजिए, और हेल्थ के बारे में बस जानकारी है तो सभी लोग एक बार बैठ के सुन लें, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम और आप बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा सर? क्या बुलाना चाहेंगे किसी को? बिल्कुल सर, ठीक है, बुला लीजिए। ठीक है सर, बैठिए। और बताइए सर अंकल जी। अंकल जी, मैं आज जो आपसे बात करने आया हूँ, उस संस्था का नाम है SBPS वेलनेस प्राइवेट। अंकल जी, जब मैं बता रहा हूँ SBPS का, तो SBPS जो शब्द है वो रोमन भाषा से निकल के आया है। इसे रोमन भाषा में गॉड ऑफ मेडिसिन एंड हीलिंग के नाम से भी जानते हैं। अंकल जी, मैं आपको बताऊँ, इस संस्था के संस्थापक श्री संजीव कुमार जी आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और समाज सेवा और देश सेवा के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर है, और पिछले इनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस भी है डायरेक्ट सेलिंग। अंकल जी, मैं आपको बताऊं तो आज संजीव जी के पास इस संस्था में काम करने का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए सभी के हेल्थ और वेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अंकल जी, SBPS के पास आज हर तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, खुद का पैन कार्ड है। कंपनी के पास में आज आयुष मंत्रालय से लेके WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, उसके अलावा ISO और इंडियन के हर तरह के सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। पर बात करते हैं हेल्थ की, तो अंगद जी, आज एक इंसान इसी तरीके का होता है, 7 तत्वों से मिलकर उसका शरीर बनता है, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जैसे कि आप जानते हैं। सही है गलत है? सही है। अंगद जी, इन 7 चीज़ों के अनबैलेंस होने से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में पकड़ती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र में विकार, तंत्रिका तंत्र में विकार, हृदय रोग, गठिया, दमा, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ। अंकल जी, मैं आपको बताऊँ एक इंसान का शरीर बनता कैसे है। सबसे पहले एटम्स से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी बनती है। अगर बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन आएगा अंकल जी, तो उससे पहले ऑर्गन्स में आएगा। सही है गलत है? और ऑर्गन से पहले टिश्यू में, टिश्यू से पहले सेल में, सेल से पहले
कहता हूं उसमें, क्या मैं सही बोल रहा है ना। और मैं आपको बताऊं, 10 लोगों का सर्वे किया गया तो आज पाया गया कि 10 में से 8 लोग आज अस्वस्थ है, एक आदमी बीमार है बहुत ज्यादा और एक ही आदमी स्वस्थ है और वो भी डॉक्टर की देख रेख। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? सही है अंगद जी। आज मैं बताऊं तो WHO की रिपोर्ट में पाया गया कि मधुमेह के मामले में राजधानी है इंडिया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज पेशेंट है यार। अगर मैं बात करूँ कैंसर की तो कैंसर के मामले में भी राजधानी है इंडिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हृदय रोग और पाचन तंत्र के विकार आज 50% पाए हैं। क्या मैं सही हूँ? सही है। अगर मैं बात करूँ मानसिक रोग विकार भी आज 50% पाए जाते हैं। अंगद जी पहला ऐसे नहीं था, पहले एक आदमी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, शुद्ध भोजन खाता था, दिनचर्या में व्यायाम को जोड़ता था, जिसके कारण 100 साल से ज्यादा जीता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो हम खाना खाते हैं वो टोटल रिफाइनरी प्रोडक्ट है और वो रिफाइनरी प्रोडक्ट के कारण हमारा शरीर कुछ दिनों में दवाओं का घर बन चुका होता है। क्या मैं सही हूँ? ठीक बात है अंगद जी। पहले भी कुछ बीमारियां होती थी जैसे कि चूहा से, मच्छर से, बैक्टीरिया से, जिसके कारण गाँव का गाँव साफ हो जाता था। सही बात है, गलत है। पर आज कुछ नई बीमारियां पैदा हुई जो हमारे भोजन के कारण, जैसे कि आज ओबेसिटी, एथराइटिस, डायबिटीज, ये सब क्या है? हमारे खाने पीने से हुई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत? अंगद जी पहले भगवान ने जब इंसान बनाया तो कुछ फल फूल बनाए जो शरीर में दवाओं का काम करते थे, जैसे कि आज सेब, संतरा, केला, अंगूर, नाशपाती, मौसम्बी, दूध, दही, ये सब सही है गलत? पर इंसान ने कुछ मैन मेड फूड बना लिए जो शरीर में जहर का काम करने, जैसे कि चीज, पिज्जा, बर्गर, मैगी, नूडल, अल्कोहल, सही है कि नहीं? आज इंजेक्शन से लौकी को बड़ा कर दिया जाता है। पहले की खगारी बनाने की पद्धति बिल्कुल अलग थी, खुले में एक डेढ़ घंटा खाना पड़ता था जिसे बैक्टीरिया मर जाते थे। आज एक सेटिंग में चावल, दो सेटिंग में दाल पड़ जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पहले के समय में सीजन में आम मिलता था, सीजन में गाजर मिलती थी, आज कोल्ड स्टोर के कारण 12 महीना जो चाहिए वो ले लो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आज मैं बताऊँ तो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि जमीन कम हो गई, लोग ज़्यादा हो गए और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अंगद जी केमिकल का छिड़काव किया जाता है। और ये खतरनाक केमिकल जब छिड़काव करते हैं मुंह में मास्क लगाना पड़ता है, डर लगता है, जहर है, मर जाएंगे। सही है गलत है? और बात में उसी को हम खाते हैं, मरेंगे या बचेंगे? निश्चित है ना अंगद जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, 16 चम्मच शुगर होती है, डायरेक्ट किसी को खिला दो मर जाएगा, पर इसकी मिठास कम करने के लिए इसमें पेस्टिसाइड जैसे बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं जो शरीर में जहर का काम करते हैं। उसके बाद आज बर्गर में शैम्पू बनाने वाला केमिकल, केक में काकरोच मारने वाला केमिकल, आइसक्रीम में आइसक्रीम को कलर करने के लिए केमिकल, हर जगह केमिकल 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 डाला जाता है। और ये केमिकल हमारे शरीर को छोड़ेगा कभी? हम मरेंगे या बचेंगे? मरेंगे। और आज वायु प्रदूषण देखो कितना है, जल प्रदूषण कितना है या नहीं? आज मोबाइल रेडिएशन के कारण बहुत सारे नए नए रोग पैदा हो गए, हुए या नहीं हुए? और इन सब के वजह से हुआ क्या कि आज हृदय की बीमारी है या नहीं, मर रहे लोग कि नहीं मर रहे? आज शुगर से लोग मर रहे कि नहीं मर रहे? आज एथराइटिस आम घरों में बातें हो गई कि नहीं होगी? आज मोटापा आम हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद आज BP, कैंसर जैसी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हमारे भोजन के कारण हुई। उसके बाद आज हड्डियों का गलना, आज लोगों का एलर्जी से ग्रसित हो जाना, ये सब क्या है? ये सब भोजन के कारण होगा जो हम केमिकल खाते हैं। आज पथरी होती है, पहले पथरी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, हम जो केमिकल खाते हैं ना ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं जिससे पथरी होती है। आज महिलाएं इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो सर्वाइव करना मुश्किल, हर घर में महिलाओं को कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपके यहाँ भी होगा है ना, कहीं सर दर्द है, कहीं पैर दर्द है, कहीं कमजोरी है, कहीं वीकनेस है, लगा हुआ है, सही है गलत है? आज मैं बात करूं तो पेट की समस्या ऐसी है कि किसी को भूख ज्यादा लग रही, खाना नहीं पच रहा, और किसी को भूख नहीं लग रही तो खाना पच रहा है, हर आदमी का लीवर डैमेज। क्या मैं सही हूं? और इन सब चीजों से बचने के लिए हम जाते हैं अंग्रेजी दवाओं की तरफ, पर अंग्रेजी दवाई क्या असर करती है तो मैं आपको बताऊं, 2009 में एग्जिट की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 2020 आते आते किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। आपने देखा होगा, देखा है ना? तो जरा सोचिए, उस समय बता दिया गया था कि आने वाले 2020 में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से लोग मरेंगे, मर रहे नहीं मर रहे? कोरोना क्या है, मर रहे नहीं मर रहे?
अगर हम आज भी नहीं सचेत हुए तो हम मर जाएंगे। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वह है आयुर्वेद। पर आयुर्वेद को लोग बोलते हैं कि देर से रिजल्ट देता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर रोज देर से रिजल्ट देता तो लक्ष्मण जी के मुंह में चार बूंद डालने के बाद चार महीने बाद हो जाना था, ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में राजा महाराजा 30 किलो की तलवार से लड़ते थे, हाथ रात भर में कट जाता था, जड़ी बूटी कूट के लगाते थे, सुबह तक भर जाता था। आज किसी को तलवार से मार दो, एक महीना एडमिट हो जाएगा। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है ना? आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आयुर्वेद देर से रिजल्ट देता है तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे खून जम गया है, सरसों का तेल गर्म करके हल्दी के साथ लगा लो फट जाएगा। लोग क्यों बोलते हैं सर्दी जुकाम है? तो आप एक काम करो, तुलसी का काढ़ा बना के पी लो, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब आयुर्वेद असर करता है और तेजी से करता है, पर आयुर्वेद लिक्विड में असर करता है। अंगद जी, लोगों ने आयुर्वेद के साथ चीट किया, लोगों ने आयुर्वेद को जड़ी बूटी के रूप में, चूर्ण के रूप में, गोली के रूप में दिया, और इस तरीके से आयुर्वेद कभी नहीं था, आयुर्वेद रस के रूप में था। और इस संतान इस बात को समझा और रस के रूप में आयुर्वेद को बनाया और उसका पहला प्रोडक्ट बनाया इमेरिडॉन। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें डला है एलोवेरा, त्रिफला, नोनी। अच्छा, ये वो एलोवेरा है जो एलोवेरा हमारे घर में होते हो नहीं है। एलोवेरा की 275 प्रजातियां होती हैं। इसमें जो डाला गया उसका नाम है बारबाडेंसिस, ये देखिए लिखा है। और बारबाडेंसिस रेगिस्तान में पाया जाता है, जो 200 गज जमीन के नीचे से पानी खींचता है। जरा सोचिए, जो 200 गज जमीन के नीचे से पानी खींचता है, कितना ताकत होगा उसमें। और उस बारबाडेंसिस का रस है इसके अंदर, इसमें डाला गया है। देखिए पढ़िए, एलोवेरा, त्रिफला, नोनी, कुमकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मुलेठी और एप्पल स्टिक। आप जरा सोच कर देखिए, ऐसी ऐसी ताकतवर चीजें हमारे शरीर को किस तरीके से फिल्टर करती है, श्वास संबंधित बीमारी ठीक करती है, दमा अस्थमा ठीक करती है, जहर को काटने का ताकत है, कुत्ते का जहर काटने का ताकत है, जो विष होता है उनको काटते हैं, हमारे शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे इसका रिजल्ट कितना फास्ट है। आइए अस्थमा का एक वीडियो देखते हैं। सर मैं आपको बताऊँ, उसका दूसरा प्रोडक्ट है डाइगोडॉक। ये कैसा भी डायबिटीज हो इसको ठीक करता है, यहाँ तक कि अगर कोई डायलिसिस में भी जा रहा हो तो उसे भी बिल्कुल काम करता है। ये देखिए डायबिटीज का एक पेशेंट। उसके बाद अंगद जी मैं आपको बताऊँ, हमारा अगला प्रोडक्ट है आर्थोडॉक। किसी भी तरीके का अर्थराइटिस हो, कैसा भी घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द हो, अगर इसे हम देते हैं तो पुराने से पुराना गठिया बात तक ठीक हो जाए। आपके घर में भी आपने देखा होगा, अगर बगल बहुत सारे लोग गठिया पास से पेशेंट हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कितने दिन में रिजल्ट आया, आपने देखा। अगला प्रोडक्ट है गाइनोडॉक। गाइनो महिलाओं से संबंधित कैसी भी समस्या हो, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो, शरीर में कमजोरी हो, चिड़चिड़ापन हो, बच्चे ही ना हो रहे हो, बांझपन तक की समस्या को दूर करता है। जिनके 35-35 साल, 32-32 साल बच्चे नहीं हुए, 26 साल बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे हुए। सर जी मैं आपको बताऊं, ये बच्चेदानी की गांठ तक बना देता है। ये देखिए एक वीडियो देखता हूँ उसके बाद, पर सर मैं वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये जल्दी जल्दी समझते हैं। सर अगला प्रोडक्ट है ओवियोडॉक, मोटापे को कम करता है, थंडर ब्लास्ट। सर ये सेक्सुअल प्रॉब्लम को खत्म करता है, नसों की ब्लॉकेज को हटाता है, शरीर में ताकत देता है, दर्द को काटता है, कार्डियोडॉग हार्ट की समस्या को ठीक करता है, लीवोडॉग लीवर को ठीक करता है, स्टोन डॉग पथरी को ठीक करता है, पथरी निकालने की और किडनी को मजबूत करता है, पाइलोडॉग पाइल्स के लिए है, कैसा भी बवासीर हो उसको ठीक करता है। उसके बाद क्लोरोडॉग कैंसर तक के सेल को मारने की ताकत है, 90% फेफड़ा अगर किसी का खराब हो उसको ठीक करता है। उसके बाद एलोवेरा, एलोवेरा ये सर शरीर के किसी भी तरीके का कोई चर्म रोग हो उसको ठीक करने की ताकत रखता है, या शरीर में किसी भी तरीके की कोई जलन पड़ रही हो ठीक करता है। उसके बाद पंच तुलसी, वो तुलसी भी सर मार्केट में मिलती है। मैं इसको बताऊँ, देखिए मैं मोबाइल में आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या बीमारी ठीक होती है। ये देखिए इसमें होती है सर, देखिए बुखार, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी, खांसी, जुकाम, प्लेग, मलेरिया, जोड़ों में दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, पेटों में कीड़े, हेपेटाइटिस, जलन, मूत्र संबंधित रोग, गठिया, दमा, मरोड़, बवासीर, अतिसार, आंखों में दर्द, खुजली, सिर दर्द, फायरिया, नुकसान, फेफड़ों में सूजन, अल्सर, वीर की कमी, हार्ट ब्लॉकेज, दिखा हुआ सर इतनी बीमारी। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है नोनी, ये सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का रस बनाया सर। कि डॉग बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों को ठीक करता है, शारीरिक और मानसिक। सर ये है थायरोडॉग, थायराइड को ठीक करता है सर। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है हमारा वो है सर फीवोडॉग, फीवर के लिए है
किसी भी तरीके का डेंगू तक की बीमारी को ठीक करता है। यहाँ पे हर्बल टी असर मोटापे को कम करता है, भूख को बढ़ाता है। प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर है, बालों के लिए बालों का शैम्पू है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर जी जो आपकी हर तरह की समस्या को दूर करते हैं। उसके बाद सर डेंटोडॉक मुँह की 20 समस्याओं को ठीक करता है। मुँह का सड़ना गलना बदबू आना, दांतों का उसके अलावा पायलिया हो जाए, यहाँ तक कि कैंसर तक में इसका इलाज किया जाता है। घाव में लगाने पायल्स में लगाने पर पायल्स में बहुत राहत है और चर्म रोग को भी ठीक करता है। गैस बनने पर गर्म पानी पर घोल के पीने से फायदा है। उसके बाद सर ये कुकुम्बर पीन चेहरे में अगर किसी के जल रहा हो, छाइयाँ पड़ रही हैं उसके लिए है। सर यह एलोवेरा एफ्रेंजेल सर ये दाने दाग धब्बे को ख़त्म करता है और ये झाइयों को ख़त्म करता है। हेयर क्रीम पैर के लिए है, यहाँ तक कि ये व्हाइट स्पॉट को भी ठीक करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके सामने। मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोडॉक सर कैसा भी नशा हो सारा दारू बाजे को ठीक करता है। कब डॉक कब को ठीक करता है, एलर्जी डॉक एलर्जी को ठीक करता है। आप एक बात समझिए, एलर्जी से लोग परेशान हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नसों के लिए, पेट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैं ये सब सारे प्रोडक्ट आपको बता रहा था तब आपको लग रहा था ना, याद आ रहे थे ना लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं। अंगद भाई अगर बात को समझो, जिन लोगों को आप जानते हो वो जो परेशान है, मान लो आपकी दवा देने से वो ठीक हो जाते हैं, अच्छा काम है, अच्छा काम है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्या जो लोग परेशान हैं उनको नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए। आज हम लोग हिंदुस्तानी हम भी गलती चीज़ों को या खराब चीज़ों को पैसे के लिए प्रमोट नहीं कर सकते, पर अच्छी चीज़ों को बताते हैं कि नहीं बताते, बताते हैं ना। अगर हमारे बता देने से कोई बच जाता है, किसी की ज़िंदगी बन जाती है, तो अच्छा काम है या बुरा काम है। देखो अंगद जी, इंसान और जानवर में एक ही अंतर है। जानवर जो होता है ना वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इंसान अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता है। गाय के सामने इतना आटा दोनों खुद ही खाए, बछड़े को भी सींग से हटा। हम यहाँ पे अगर चाय पी रहे हो कोई आए तो हम बोलते हैं सर आपको चाय, सही है कि नहीं? तो जरा सोच कर देखो बच्ची, इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो लोगों के हित का है हमें नहीं बताना चाहिए। सर मरेंगे ना तो एक रुपये जेब में नहीं जाएगा, पर दुआएं जाएंगी नहीं जाएंगी सारे। अगर हमारे बता देने से दुआ मिलती है तो कितने ऐसे लोग जिनको आप जान रहे हैं, जब मैं बता रहा था प्रोडक्ट याद आ रहे थे। अब उन लोगों को अगर आप प्रोडक्ट देते हो वहाँ प्रोडक्ट में 20% आपको डिस्काउंट मिलता है, कैसा रहेगा सर? 20% कम नहीं होता, कम होता है क्या सर? 5 रुपये की पार्ले जी बिस्कुट बेचने के लिए 50 पैसे के लिए सारा दिन आदमी बैठता है, यहाँ 20% मिल रहा है, 20%। और ये पैसा सर आपके काम आएगा, और ये काम पैसा जो है सर नेकी का पैसा है। हम किसी को ठीक करके पैसा दे रहे हैं, तो ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना सर। अब सर मैं आपको बताऊँ, इसी तरीके से एक पैसा नहीं देती है, और भी कई तरीके से पैसा देती है। जैसे मैंने बताया था कि हेल्थ के साथ वेल्थ को भी मजबूत किया जा सकता है, पानी वेल्थ को भी मजबूत किया जा सकता है। मैं आपको कुछ वेल्थ के लिए मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना नहीं चाहते तो हम यहीं से बात करें। तो आप एक बात समझिए, हेल्थ के साथ अगर वेल्थ को मजबूत करने का रास्ता हो तो क्या आप जानना चाहेंगे? मैं तुमको बताना चाहूंगा, मेरे भैया बताना चाहूंगा आपको मैं कि ये 20% बस नहीं, 20% के अलावा ये संस्था क्या कहती है कि आइए पहले खुद प्रोडक्ट यूज करिए, यूज करने के बाद खुद रिजल्ट लीजिए। अब अगर आप रिजल्ट लेंगे तो लोगों को बताने का मन करेगा या नहीं करेगा? अगर कोई बोलेगा आपके पिताजी कैसे ठीक हुए तो आप बताओगे या नहीं बताओगे? अगर कोई बोला आपकी माँ कैसे ठीक हुई आप बताओगे या नहीं बताओगे? और अगर वो बताने का पैसा आता है तो अच्छा है, क्या अच्छा है ना। ये संस्था क्या करती है सर, हर प्रोडक्ट में SP काउंट करके देती है, सेल पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे। और ये सेल पॉइंट से क्या होता है सर, यहाँ पे संस्था 7 तरह से इनकम देती है। पहला सर इमीडिएट रिटेल इनकम जो मैंने आपको 20% बताया, उसके अलावा यहाँ पे सेल्स टीम और सेल्स बोनस, टीम इंसेंटिव और बोनस इंसेंटिव भी देती है, रैंक इनकम, और यहाँ पे घूमने के लिए ट्रिप भी देती है। मैं तो आपको एक एक करके आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आप यहाँ पे यू की जगह पे और आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आप ठीक हो गए, और अगर आपसे कुछ लोग पूछे तो क्या एक महीने में आप 3 लोगों को बता सकते हैं अगर हम ठीक हुए? और अगर हमने 3 लोगों को बताया तो
तो जैसे ही 200 एसपी लेफ्ट में और 100 एसपी राइट में प्रोडक्ट सेल हुआ, आप यहाँ पे 1000 रुपये कमाते हैं और 1500 रुपये का मैचिंग अलग से मिलता है। 20% के अलावा ये 1500 आ जाए, आप बताइए बच्चों का दूध का खर्चा निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है। आपके महीने भर का पेट्रोल का खर्चा निकल सकता है कि नहीं? और आपने कुछ किया क्या? आपने सिर्फ लोगों को ठीक किया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं अंगद जी। उसके बाद अगर ये ठीक हुए तो लोगों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? और आदमी का नेचर होता है, अगर ठीक होता है तो बताते हैं। और जैसे ये 3 लोगों ने मात्र 2-2 लोगों को बताया, या 6 लोग आ गए और 1 आदमी ने मात्र 3 लोगों को बताया, यहाँ पे कितने हो गए सर? 3 लोग आ गए। आपका दूसरा लेवल कंप्लीट होता है और मैचिंग का 3000 रुपए की अलग से इनकम होती है। और उसके अलावा अंकल जी 4500 रुपए का बोनस मिलता है। टोटल 7500 रुपए कमाते हैं, जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद देगा। देगा या नहीं देगा? हम नेक काम करके कमा रहे हैं, अच्छा काम है बुरा काम है? अंकल जी आपको कैसा लग रहा है सुन के? कितना अच्छा काम करते हुए हम पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद अंकल जी अब ये लोग अगर काम करते हैं, मात्र 2-2 लोगों को ही ठीक करने का काम करते हैं, बताते हैं, और ये 3 लोगों ने 2-2 लोगों को बताया, 6 लोग आ जाते हैं, 6000 रुपए का मैचिंग और 9000 रुपए का आपको इनकम मिलता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपके परिवार में सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। उसके बाद अंगद जी ये 12 लोगों ने मात्र 24 लोगों को ही बताया, और हर आदमी जब ठीक होगा बताएगा या नहीं बताएगा? और जैसे ही 24 को बताया और ये 6 लोगों ने मात्र 12 लोगों को 2-2 लोगों को बताया, आपको यहाँ पे 12000 रुपए का मैचिंग मिलता है और साथ ही साथ 20000 का बोनस मिलता है। सर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? आपकी वेल्थ मजबूत होगी नहीं होगी? आपके छोटे मोटे काम निपटेंगे नहीं निपटेंगे? छोटा मोटा आपका किस्त निपट सकता है कि नहीं? और अंगद जी अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को ठीक करना अच्छा काम है बुरा काम है? लोगों को बीमारी से निकालना अच्छा काम है बुरा काम है? और अच्छा काम का पैसा मिल रहा है तो दुआओं का पैसा है कि नहीं? और जैसे अंगद जी ये मात्र 24 लोगों ने 2-2 लोगों को ही बताया, 48 लोग ठीक हुए, और ये 12 लोगों ने 24 लोगों को ठीक किया, 24000 का मैचिंग, और साथ में यहीं पे आप कमाते हैं 45000 रुपए का बोनस। 45000 बोनस, जरा सोच के देखिए सर, जिंदगी में कुछ अलग परिवर्तन आएगा, मजा आएगा या नहीं आएगा? और सर इस तरीके से ये लेवल बढ़ते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये लेवल बढ़ते हैं जैसे ही इधर पे 120 और 60 का मैचिंग होता है, 60000 का मैचिंग और 1.5 लाख का आधा आप बस 1.5 लाख रुपया आपके घर आता है। और सर साथ में आपको थाईलैंड का टूर मिलता है। बताइए सर 1.5 लाख आएगा तो क्या हम एक कार की प्लानिंग कर सकते हैं? हमारी हेल्थ मजबूत हो रही है, कमजोर मजबूत हो रही है। और इसी तरीके से सर ये लगातार बढ़ते हैं। अगले रैंक बोनस में हमको यहाँ पे एक तरफ 24, एक तरफ 12000 का मैचिंग, 1,80,000 का बोनस। उसके बाद टोटल 3 लाख कमाते हैं और 50000 का बाइक फंड मिलता है अलग से। और उसके बाद अगले में सर यहाँ पे कितना 480 लेफ्ट में 240 राइट में लोग आते हैं, 2,40,000 मैचिंग का, 3,60,000 का बोनस, 6 लाख रुपये हम यहाँ कमाते हैं। और दुबई का ट्रिप भी कैसा रहेगा सर? उसके बाद सर अगले ही लेवल में यहाँ पे हमारे नीचे में 960 लेफ्ट में 480 राइट में 4,80,000 बोनस का, 2,20,000 का बोनस, और सर 6 लाख की कार फंड मिलता है। और इस तरीके से टोटल हम 70 लाख मैचिंग और बोनस कमाते हैं, और अलग से कुछ कार फंड और ये टूर फंड मिला के हम 100 करोड़ कमाते हैं। सर मुझे बात बताइए सर, 100 करोड़ रुपये अगर हमारे घर आ जाए कौन कौन से सपने रहेंगे सर? अधूरे हैं। हम कार ले सकते हैं कि नहीं? हम गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं, अपने लिए लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, 100 करोड़ का छींचो में कि नहीं? हमारे पास BMW होगा सर, हमारे पास कार होगी सर, हमारे सपने पूरे होंगे, हम देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे, हमारे पास टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम होगा। और ये सब कुछ करने के लिए कुछ करना नहीं है सर, अपने परिवार के किसी सदस्य को ठीक कर लेना है। अगर उसको ठीक कर लेने से हमारे सारे सपने पूरे होते तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सर शुरुआत करते हैं सर, आप एक कदम बढ़ाइए, मैं आपका 9 कदम साथ दूंगा सर। हम और आप मिलके काम करेंगे, मैं और आप दोनों मिलके जब काम करेंगे सर और दोनों के सपने बढ़े हैं
हम सब कामयाबी अपने कदम में लाके दिखाएंगे। क्या आप कमाने को तैयार हैं? जी सर। अगर आप कमाने को तैयार हैं तो मैं कमाने को तैयार हूं। अब एक बात बताइए सर, ये सब कार बंगला गाड़ी सब कुछ आपके पास आएगी, क्या लगता है सर इसको कमाने के लिए 5 साल ही मेहनत करनी है? आज से आप मेहनत चालू कर दो, 5 साल के अंदर सब होगा। 1 साल बाद चालू कर दो, 1 साल बाद 5 साल फिर जोड़ना पड़ेगा। 1 महीने बाद चालू करो, 1 महीने के बाद 5 साल जोड़ना पड़ेगा। तो सर 5 साल में ही अगर सब कुछ मिलना है तो 5 साल कब से शुरू होना चाहिए? आज से। तो आज से हम इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शुरुआत करिए सर, मैं आपका साथ दूंगा, हम लोग मिलकर पैसा कमाएंगे, चिंता मत करिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। थैंक यू।